स्लीपी क्लासेस एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट हाइड्रोकार्बन्स सो हाइड्रोकार्बन्स की क्या क्लासिफिकेशन होती है हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं एंड बेसिकली इनकी हम नेमिंग आज ज़्यादा पढ़ेंगे एंड यूजेज़ बढ़ेंगे बाकी इनकी जो प्रेपरेशन होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाट आर हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं सो हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंडस होते हैं जो किससे बने होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन से ठीक है नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रो का मतलब क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन ठीक है एंड कार्बनस क्या है हमारे कार्बन सो कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलके जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं हाइड्रोकार्बन ठीक है जैसे कि यहाँ पे ये भी हो सो so इनमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही होते हैं बाकी और कोई भी एलिमेंट नहीं होता है ठीक है लाइक दिस इज़ हाइड्रोकार्बन दिस वन इज़ हाइड्रोकार्बन ठीक है सो कुछ साइक्लिक भी होते हैं कुछ ब्रांश भी होते हैं लीनियर भी होते हैं ठीक है सो डिपेंड so करता है अब हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन की तरफ चलें तो दो तरह के होते हैं वन होते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स एंड दूसरे होते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स अब जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं वो कौन से कौन से तरह के होते हैं दो तरह के होते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में क्या आ जाते हैं हमारे एल्केन्स एंड अनसैचुरेटेड में आ जाते हैं एल्कीन एंड एल्काइन सो बहुत बार हमने पढ़ा भी है हम बोलते हैं ना एल्कीन एल्काइन ये क्या है हाइड्रोकार्बन्स हैं बट ये क्या होते हैं एल्केन्स सैचुरेटेड होते हैं एल्कीन एंड एल्काइन होते हैं अनसेड होते हैं अब आते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स में क्लोज चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं एक होते हैं होमोसाइक्लिक एंड एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक अब होमोसाइक्लिक में भी क्या होते हैं कुछ होते हैं एरोमेटिक एंड एक होते हैं एलिसाइक्लिक सारे हम क्या है अभी डिस्कस करेंगे सो so फर्स्ट हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की सो so सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होता है सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन एटम्स के बीच में और इनको हम क्या बोल देते हैं एल्केन्स भी बोल देते हैं एंड इनका जो फार्मूला होता है जनरल फार्मूला वो होता है सी एन एच टू प्लस टू यहाँ पे एन क्या है एन इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ठीक है एन का क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर एन वन है मीन्स कार्बन एटम ए की है तो फॉर्मूला क्या होगा सी वन एच टू इंटू वन प्लस टू तो क्या बन गया सी वन एच फोर सो so, इसको हम क्या लिख देते हैं सी एच ओर और इसको इस कंपाउंड को हम क्या बोल देते हैं मीथेन भी हम इसको हम बोल देते हैं सो so, इस तरीके से जो है ये फॉर्मूला हम जो है वो अप्लाई करते हैं ठीक है सो दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या है उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है नेक्स्ट हमारे जो सैचुरेटेड हार्ब में क्या आ जाते हैं हमारे एल्किन्स और एल्केन्स क्या होते हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर एल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज फॉर एल्किन्स आर ऑयल एंड नेचुरल गैस अब हमें एल्किन्स जो है वो ड्राइव कहाँ से होते हैं मिलते कहाँ से हैं सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो कहाँ से है ऑयल एंड नेचुरल गैस ठीक है सो तो जितने भी हमारे जब हम बात करते हैं ना सैचुरेटेड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की तो वो कौन से होते हैं जो भी हमारे ऑयल्स हैं या फिर हमारे नेचुरल गैसेज हैं ठीक है वो सारे हमारे एल्केन्स में आते हैं Now the alkanes are important raw materials of the chemical industry and principal constituent of gasoline and lubricating oils. और ये क्या है ये बहुत ही ज़्यादा important raw material होता है chemical industry का साथ में जो gasoline होती हैं या lubricant oils होती हैं उनका भी क्या है ये principal constituent है जो natural gas होती है उसमें क्या होते हैं हमारे methane and ethane and is used for heating and cooking purposes and for power utilities. अब जो natural gas में mainly methane and ethane ही आते हैं ठीक है, अब इिथेन एंड इथेन क्या है वो भी हमारे एल्किन जी हैं ठीक है सो इनको हम क्यों यूज़ करते हैं हीटिंग या कुकिंग परपजेज़ के लिए जैसे जो भी हमारे गैसेस जो चलती हैं ठीक है एल एंड ऑल जो भी हैं ठीक है थीके? वो सारे के सारे क्या है हमारे एल्केन्स ये पावर यूटिलिटीज़ में जो गैस टर्बाइंस होती हैं वहाँ पे भी ये जो है एल्केन्स जो है वो यूज़ होते हैं अब इन कंपाउंडस को हम नेम कैसे करते हैं ठीक है तो वो देखते हैं तो हमेशा आपने याद रखना है कि अगर हमारे किसी भी आ, कभी भी हमको स्ट्रक्चर देख रहे हैं ठीक है लेट से मैं स्ट्रक्चर देख रही हूँ यहाँ पर सी सी एंड सी कुछ इस तरीके से है अब यहाँ पे कार्बन एटम्स कितने है? हम ये देखेंगे ठीक है so सो किसी भी अगर कंपाउंड में वन कार्बन एटम है तो प्रीफिक्स क्या होगा मिथ होगा और यहाँ पे हम किसका है कि एल्केन्स का देख रहे हैं एल्केन्स में क्या होता है हमारा सिंगल बॉन्ड होता है ठीक है अब सिंगल बॉन्ड होता है अब कार्बन का क्या होता है कार्बन के साथ जो होता है वो मैक्सिमम कितने चार बॉन्ड्स बन सकते हैं ठीक है मीन्स चार हाइड्रोजन्स जो हैं वो ऐसे अटैच हो सकते हैं ठीक है अब और इसका फॉर्मूला क्या होता है एल्केन्स का सी एन एच टू एन प्लस टू ठीक है ये इसका फॉर्मूला होता है अब लेट से कार्बन आइटम क्या है हमारा जो है वन है ठीक है सो फॉर्म्यूला क्या बनेगा सी एच फोर हमने अभी डराइव किया था सो so अगर इसको मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो सी एंड चार हाइड्रोजन वन टू थ्री एंड फोर अब सिमिलरली अगर दो हाइड्रोजन हो तो हम इसको अब अगर एक एक कार्बन आइटम है तो प्रोफिक्स क्या होगा एक ही कार्बन आइटम है तो मिथ और लास्ट में क्या लग जाता है एन तो क्या बन गया मीथेन, ओके सिमिलरली हम कैसे करते हैं नेक्स्ट के लिए भी करते हैं अब लेट्स से नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स टू हैं ठीक है so, सो क्या बन जाएगा सी टू एच टू इंटू टू प्लस टू तो कितना आ गया सी टू फोर प्लस टू टू जो फोर प्लस सिक्स सी टू एच सिक्स ठीक है सी टू एच सिक्स तो अब दो कार्बन आइटम हैं तो क्या आएगा यहाँ पे इथ प्लस एन क्या बन गया यहाँ पे इथेन ठीक है ये क्या आ जाएगा इथेन अब इसका मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करूँगी दो कार्बन आइटम्स मैंने पहले ज्वाइन कर दिए अब कार्बन के साथ इसके साथ कितने ये तो चार ही बनाएगा तो क्या हो गया एक दो तीन चार अब यहाँ पे कितने आ गए तीन आ गए अब इसके साथ भी वैसे ही होगा ये कितने आ गए तीन आ गए तो कितने हो गए C2 दो कार्बन हैं एंड सिक्स हाइड्रोजन है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो इस तरीके से जो है ये स्ट्रक्चर इसके ऐसे बनते हैं एंड इसे क्या करते हैं नेम भी हम इसी तरीके से करते हैं सो so अगर हम यही ऑर्डर फॉलो करते हैं तो हमारे पास कैसे आ जाते हैं वैसे ही दो कार्बन आइटम के लिए जैसे इथ है वैसे ही थ्री के लिए हमारे पास क्या आ जाता है प्रॉप आ जाता है एंड देन थ्री के लिए प्रॉप फोर के लिए ब्यूट फाइव के लिए पेंट सिक्स के लिए हेग्स सेवन के लिए हेप्ट एट के लिए ऑक्ट नाइन के लिए नॉन एंड टेन के लिए डेक तो क्या बनता है हमारा मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्जेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉन एंड डेकेन ठीक है सो ये तो हो गया हमारा एल्केन के लिए अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे एल्कीन है ठीक है एल्कीन होता है तो लास्ट में क्या आ जाता है इन आ जाता है तो वो फिर ऐसे बन जाता है मिथिन इथिन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन हेगजीन हेप्टीन ऑक्टीन नॉन एंड डकिन वो इस तरीके से बन जाता है ठीक है तो आपने ये याद रखना है कि अगर एक कार्बन आइटम है तो मिथ लगेगा दो कार्बन आइटम है तो इथ लगेगा तीन है तो प्रॉप चार है तो ब्यूट फाइव तो पेंट सिक्स हेग्स सेवन हेप्ट एट ऑक्ट नाइन नॉन एंड टेन डेक ठीक है सो इस तरीके से ये बनते हैं ठीक है सो so, आपने यहाँ पे देखो सो दिस इज मिथेन ये इस तरीके से देन इथेन देन प्रोपेन ब्यूटेन इज सी फोर एच टेन पेंटेन सी फाइव एच ट्वेल्व हैगजेन सी सिक्स एच फोर्टीन हैप्टेन सी सेवन एच सिक्सटीन ऑक्टेन सो इस तरीके से जो है ये सारी ब्रांचिंग की गई है ठीक है एंड इस तरीके से ये बनता है ठीक है सो so, ये हम एल्किन्स को हम ऐसे नेम करते हैं बाकी जो एल्कि एंड एल्काइन को नेम करने का प्रोसीजर भी थोड़ा बहुत सेम ही रहता है लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस होता है वो क्या होता है वो हम आगे देखेंगे अब जो हमारे एल्केन्स हैं एल्केन्स के ही कुछ कंपाउंड्स हैं उनके यूज हम देखते हैं सो so पहला है प्रोपेन प्रोपेन का, का काम क्या होता है क्या किस लिए यूज़ होता है इट इज़ यूज फॉर हीटिंग एंड कुकिंग हीटिंग एंड कुकिंग के लिए यूज़ होता है एंड प्रोपेन प्रॉप जब हम बात करें तो मीन्स तीन कार्बन आइटम्स है ब्यूट है तो मीन्स चार कार्बन आइटम है तो इट इज़ यूज इन लाइटर्स एंड एरोसॉल कैन्स लाइटर्स या जो एरोसॉल कैन्स होते हैं उसमें ब्यूटेन यूज़ होता है हेगेन मीन्स सिक्स कार्बन आइटम्स सो इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस ग्लू फॉर शूज़ लेदर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा जो ग्लू प्रोड्यूस करने के लिए यूज रहता है हेप्टेन ये मेजर कॉम्पोनेंट है गैसोलीन का ऑक्टेन इट इज़ यूज इन गैसोलीन दैट रिड्यूस नॉक ठीक है जो नॉक को रिड्यूज करता है ठीक है उसमें गैसोलीन में जो है वो ये यूज होता है डेकेन मीन्स टेन कार्बन एटम्स है ऑक्टेन मीन्स एट हेप्टेन मीन्स सेवन तो इट इज़ ऑल्सो कॉम्पोनेंट ऑफ गैसोलीन सो ये जो हेप्टेन ऑक्टेन एंड डेकेन है ये तीनों के तीनों किसके कॉम्पोनेंट्स हैं गैसोलीन के कॉम्पोनेट्स हैं सो इस तरीके से इनका जो है वो यूज़ होता है नाउ कमिंग ऑन टू अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बॉन्ड्स पहली बात तो जब हम unsaturated पे आ जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि डबल बॉन्ड्स है या इनमें ट्रिपल बॉन्ड मीन इनमें सिंगल बॉन्ड नहीं होता है. अनसेचुरेटेड में क्या होता है इधर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो जिन हाइड्रोकार्बन्स में क्या है डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे एल्किन्स जैसे इस तरीके से ठीक है आर ग्रुप यहाँ पे जब भी हम देखने को मिलते हैं तो आर का मतलब होता है सी एच थ्री ठीक है so सो आर यहाँ पे है सी एच थ्री अभी इसको मैं एक्सपैंड करके बता दूंगी जैसे अभी बता देती हूँ सो so एक तो एच लगा हुआ है ठीक है एंड अब यहाँ पे आर है तो आर क्या है सी ठीक है तो इसमें तीन एच आ जाएंगे ना तो सी एच थ्री ऐसे लिख देते हैं तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ इसको सी एच थ्री ठीक है क्योंकि चार बॉन्ड्स तो पूरे हो गए ओके okay. सो so, ये जो होता है ये हमारा क्या है एल्कीन है ठीक है एल्कीन एंड ये जो आर है ठीक है आर यहाँ पे क्या बताता है कि हमारा क्या है ये मिथाइल ग्रुप है ओके आर इज द मिथाइल ग्रुप अब जो हाइड्रो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे एल्कीन होते हैं इनका फॉर्मूला क्या होता है सी एन एच टू एन तो मीन्स एन अगर वन है तो फॉर्म्यूला क्या होगा सी वन एंड एच टू इंटू वन कितना हो गया वन हो गया तो सी वन एच टू ठीक है सो जनरली ये आता नहीं वन से तो कभी होता ही नहीं है वन इसमें अप्लाइड ही नहीं होता तो वन हम लेते ही नहीं है तो so क्या आ गया टू अगर हम कार्बन आइटम लें क्योंकि डबल बॉन्ड बनाना है डबल बॉन्ड अब एक से तो बनेगा नहीं ठीक है हाइड्रोजन के पास कितना है इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो so वो एक से ही डबल एक से ही बॉन्ड बना सकता है डबल बॉन्ड नहीं बना सकता ठीक so है तो हम इसको टू से स्टार्ट करते हैं तो अगर सी uh, जो हमारे कार्बन आइटम है वो टू हैं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा फिर इसका सी टू एंड एच टू इंटू टू कितना हो गया सी टू एच फोर ठीक है सो इस तरीके से हो जाता है वैसे ही अगर थ्री है तो क्या बन जाएगा सी थ्री एच सिक्स इस तरीके से जो है ये बन जाता है ठीक है और ये इसका फॉर्मूला है सो so फॉर्मूला प्लीज़ याद रखिएगा अब जो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं एल्काइंस सो so, वो कुछ इस तरीके से होता है ठीक है एंड इनका फॉर्मूला क्या होता है सी एन एच टू एन माइनस टू अब यहाँ पे सबके फॉर्मूले आप याद रख लो ठीक है आप इस ऑर्डर में आप याद रख सकते हो पहला एल्कीन सी एन एच टू एन प्लस टू देन एल्कीन उसका क्या है सी एन एच टू एन देन एल्काइन दे सॉरी टून लिख दिया मैंने ठीक है सी एन एच टू एन एंड सी एन एच टू एंड माइनस टू यहाँ पे पहले प्लस होता है माइनस होता है और इसमें सिर्फ टू एन ही रहता है ओके okay? सो so, इस तरीके से ये इसके फॉमूला है अब एल्काइन में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है अब लेट से यहाँ पे मेरा एन यहाँ पे भी क्या है टू है तो क्या आएगा सी टू प्लस एच टू इन टू माइनस टू तो क्या आएगा सी टू एंड एच टू ठीक है इस तरीके से जो है ये बनता है अब नेक्स्ट चलते हैं एल्कीन की तरफ एल्कीन के यूज देखेंगे तो उसका एल्कीन का पहले तो जनरल फार्मूला क्या है सी एन एच टू अब इसको एल्कीन यूज़ कहाँ पे होता है इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स लाइक पॉलीथीन फॉर मेकिंग बकेट्स बाउल्स बैग्स एक्सेट्रा ठीक है जो प्लास्टिक्स हैं जैसे कि पॉलीथीन है जैसे हम क्या बनाते हैं बकेट्स बनाते हैं बाउल बनाते हैं बैग बनाते हैं उसके लिए एल्किन यूज़ होता है मैन देन मैनुफैक्चर ऑफ पॉलीस्टाइरिन जो कार बैटरी केसेस हैं रेफ्रिजरेटर के पार्ट्स हैं उसमें यूज होता है देन मेकिंग इथेन वन टू डाई ओल यूज एज एंटी फ्रीजिंग फॉर मोटर कार रेडिएटर्स ठीक है अब एंड इथेन वन टू वन टू डायोल ये क्या है ठीक है ये कैसे नेम किया हुआ है एंड ये क्या है ये हम अभी आगे समझेंगे बट इट इज़ यूज एन एंटी फ्रीजिंग एंटी फ्रीजिंग जो है वो ये कंपाउंड यूज़ होता है कार रेडिएटर्स में ठीक है देन मैन्युफैक्चर ऑफ़ इथेनॉल एंड सिंथेटिक फाइबर टायरेलिन ठीक है टेरीलिन बेसिकली ठीक है जो हमारा इथेनॉल को हम मैनुफैक्चर करते हैं एंड सिंथेटिक फाइबर जो है टेरीलिन उसके मैनुफैक्चरिंग के लिए भी एल्किन जो है वो यूज़ होता है ठीक है अब इसको हम नेम कैसे करते हैं जैसे मैंने बोला था बाकी सब सेम है आपने सिर्फ वो पहले वाला क्या देखना है ये देखना कि अगर वन टू कार्बन है तो इथ थ्री है तो प्रॉप वो सारा प्रिफिक्स सेम ही रहते हैं अब लास्ट में क्या आ जाता है सबके में इन इन आ जाता है ठीक है अब यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आता है अब मेरा अगर देखो मान लो अगर मेरा प्रोपीन है तो अगर मैं प्रोपीन से बनाऊँ मीनस तीन कार्बन है अब प्रोपीन है तो कार्बन को पहले तो इस तरीके से आएगा अब यहाँ पे दो ही ऐसे आएंगे ठीक है इस तरीके से आएगा ये ओके एच 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 एंड एच एंड एच अब यहाँ पे मैंने सिर्फ दो ही बॉन्ड्स लगाए क्योंकि यहाँ पे क्या है कार्बन ऑलरेडी क्या बना रहा है डबल बॉन्ड बना रहा है अब यहाँ पे एक गलती होगी यहाँ पे अगर मैं एक और एच लगा रही हूँ तो क्या हो जा रहे हैं कार्बन के वन टू थ्री फोर फाइव बॉन्ड्स हो जा रहे हैं वो क्या हो रहा है गलत तो मैं क्या करूँगी एक बॉन्ड यहाँ से रिमूव कर दूँगी अब देखो अब यहाँ पर कितना होगा अब प्रोपीन में हाइड्रोजन कितने हैं सिक्स हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ठीक है ये क्या हो गया इस तरीके से हो गया सो so आपने हमेशा याद ध्यान देना है कि कहाँ पे डबल बॉन्ड रखा है एंड कार्बन मेक श्योर sure कि कार्बन एक टाइम पे अपने साथ कितने चार ही बॉन्ड्स बना सकता है पांच बॉन्ड नहीं करने पांच बॉन्ड करेंगे तो वो गलत हो जाएगा ओके अब अगर मैं क्या करती हूँ ये मेरा प्रोपीन है अब लेट्स से कि पहले मैं क्लियर सा स्ट्रक्चर बना लेती हूँ ठीक है सो दिस 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 एंड दिस ओके एच 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 एंड एच सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब मैंने अगर डबल बॉन्ड मान लो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ नहीं बना के यहाँ बना दिया ओके okay? सो so, इस तरीके से मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो बना दिया तो अब क्या होगा ये भी प्रोपीन है ये भी प्रोपीन है ओके okay, सो so, अगर मेरा तो यहाँ पे कोई और फंक्शनल ग्रुप अटैच है ठीक है यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई और ए, कोई और फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो मैं नंबरिंग उस तरीके से स्टार्ट करूँगी ठीक है बट यहाँ पे उस चीज़ को अभी हम रहने देते हैं ठीक है थीके? सो आपने बस यहाँ पे देखना कि कौन से कार्बन आइटम पे जो है हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ओके जैसे मैं ब्यूटीन में बताती हूँ जैसे वन टू थ्री एंड फोर चार कार्बन आइटम्स हैं ओके अब मैंने यहाँ पे लगा दिया ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया अब ये तो तीन ठीक है देन वन टू थ्री फोर अब यहाँ पे भी एक एंड दिस वन अब ये हमारे आगे टोटल हमने हाइड्रोजन बॉन्ड लगा दी अब इसको नेम कैसे करेंगे अब मैं इसको ब्यूटीन नहीं बोल सकती क्यों ब्यूटीन नहीं बोल सकती क्योंकि मेरा डबल बॉन्ड क्या है फर्स्ट कार्बन पे नहीं है अब कार्बन को अगर मैं नेम करूँगी तो वो किस तरीके से नेम होंगे वन टू थ्री एंड फोर ठीक है ये क्या है हमारे चार कार्बन आइटम्स हैं अब मेरा जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है वो कौन से है कार्बन आइटम पे सेकेंड कार्बन आइटम पे है. अगर मैं इस साइड से नेमिंग स्टार्ट करूँ वन टू थ्री एंड फोर तब भी मेरा यहाँ पे डबल बॉन्ड कौन सा से? है सेकेंड कार्बन आइटम पे है तो क्या आ जाएगा ब्यूट वो डबल बॉन्ड कहाँ पे है सेकेंड कार्बन आइटम पे तो टू इन आएगा ब्यूट टू इन ठीक है सो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है अब सिमिलरली अगर मैं पेंटीन ले लूँ वन टू थ्री फोर एंड फाइव फाइव कार्बन आइटम्स हैं और इसको मान लो मैं यहाँ पे नहीं यहाँ पे ये यह कर दूँ ठीक है तो जहाँ से जो डबल बॉन्ड होता है या कोई भी डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है जो जिस साइड से क्लोजेस्ट है हम उस साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन अगर अटैच कर दूँ ठीक है सो दिस एंड ओके okay, ठीक है ये हाइड्रोजन्स मैंने अटैच कर दिए अब अगर मैं आगे से नंबरिंग करूँगी सो वन टू थ्री फोर एंड फाइव यहाँ से करूँगी तो क्या आएगा मेरा पेंट थ्री इन ठीक है लेकिन अगर मैं यहाँ से करूँगी वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो यहाँ से क्या आएगा ये सेकेंड कार्बन पे है तो क्या आएगा हमारा पेंट टू इन ठीक है so, सो हम ये वाला लेंगे ऊपर वाली नंबरिंग कंसिडर नहीं करेंगे जो क्लोजेस्ट नंबर होता है हम वो लेते हैं सो so, यहाँ पे आएगा हमारा पेंट टू इन ये रूल्स जो है, वो थोड़े चेंज भी होते हैं जो आयु पैक नंबरिंग है वो तब होती है अगर हमने एडिशनल कोई फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच किया है तो ठीक है बट वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे जब हम रेस्ट बाकी फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है जब उनका हम देखेंगे तब हम उनकी नंबरिंग जो है वो स्टडी करेंगे अभी हम सिंपल एल्किन्स की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से उन्हें नेम किया जाता है सो इथिन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन हैग्जीन हेप्टीन ऑक्टीन नॉन एंड डकिन इस तरीके से आते हैं ओके okay? यहाँ पर देखो ये दिस इज इथीन दिस इज प्रोपीन दिस इज साइक्लो अब ये क्या है पूरा एक साइकिल स्ट्रक्चर है ठीक है सो इस साइकिल में दिस इज साइक्लो हैगजीन सी सिक्स अब यहाँ पे क्या होते हैं अब यहाँ पे क्या आ जाते हैं हमारे सिस एंड ट्रांस आइजूमर्स आ जाते हैं अब ये सिस एंड ट्रांस आइजूमर्स क्या होते हैं देखो जब भी हमारा क्या होता है हमारा अब ये जो ये लाइन स्ट्रक्चर्स है इसमें कन्फ्यूज़ नहीं है कि ये क्या है इसको अगर मैं एक्सपैंड फॉर्म में लिखूँ ना तो ये इस तरीके से है ओके सो दिस वन इज़ लाइक दिस अब इसमें बस मैंने एच ही अटैच किया है तो कार्बन वन टू तो थ्री फोर वन टू तो थ्री फोर इसके साथ क्या है एच थ्री एंड इसके साथ भी क्या है एच थ्री तो जब भी मेरे जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ठीक है सो इनको हम अल्काइल ग्रुप्स बेसिकली जो आर होता है उसे अल्काइल ग्रुप्स बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पे तो ये मिथाइल ग्रुप है तो so, जो मिथाइल ग्रुप्स हैं जब मेरे ऊपर वाली साइड प्रेजेंट होते हैं दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं तब उसको हम आइजोमर वो कौन सा आइजोमर हो जाता है ट्रांसिस सिजाइजोमर्स ठीक है मीन्स इस तरीके का शेप तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बीच में है ठीक है सो यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा ट्रांस आइजोमर्स सॉरी सिजाइज़ोमर और जब भी मेरा डबल बॉन्ड ऐसे होता है मीन्स अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे ऑपोजिट से हैं ठीक है तब वो कौन सा आइजूमर होता है ट्रांस आइजूमर जैसे कि यहाँ पे देखो C और ये भी इस तरीके से ही बना हुआ है लेकिन यहाँ पे H ऊपर है ओके एंड ओके जस्ट वेट इसको मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ सो so, यहाँ पे हमारा क्या है दिस वन इज C C C एंड ओके एंड यहाँ पे है मेरा दूसरा ठीक है सो so, ये H बन गया ये डबल बॉन्ड एंड इसके चार सेटिस्फाइड एंड H3 थ्री एंड सी एच थ्री तो जब ये जो अल्काइल ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल इस तरीके से अरेंज हुए होते हैं तब हम उसे कौन सा बोलते हैं वो कौन सा आइजूमर होता है वो ट्रांस आइजूमर्स होता है ट्रांस आइजूमर होता है ठीक है एंड जब ऐसे इस तरीके से अरेंज हों तब वो कोई भी आइजूमर नहीं होता है ठीक है सो सिज एंड ट्रांस आपने याद रखना है जब ऊपर में हों दोनों ऐसे तो वो सज आइजूमर्स एंड जब वो इस तरीके से हों तो वो कौन सा है ट्रांस आइसोमर, ओके सो ऐसे इनको नेम करते हैं नेक्स्ट आते हैं हम एल्काइंस पे। एल्काइंस क्या होते हैं उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है सी एन एच टू एन माइनस टू मोस्ट कॉमन यूज ऑफ़ इथाइन इथाइन का हम जो मोस्ट कॉमनली यूज़ कहाँ पे करते हैं फॉर मेकिंग ऑर्गेनिक कम्पाउंड जैसे इथेनॉल इथिनॉइक एसिड एक्रेलिक एसिड एक्सेट्रा देन इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पॉलीमर्स पॉलीमर्स को बनाने के लिए अल्काइन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फिर हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को बनाने के लिए अल्काइन यूज होता है फिर जो हमारा अल्काइंस है जैसे कि बहुत कॉमन एक अल्काइन है इथाइलिन या इथलिन जिसे हम बोल देंगे ठीक है so, सो उसको वो जो है वो आर्टिफिशियल uh, जो फ्रूट राइप राइपनिंग होती है जिससे हमने देखा है ना कि कई जो फ्रूट्स होते हैं वो सीज़न से पहले आ जाते हैं ठीक है या सीज़न के स्टार्ट होते ही आ जाते हैं मार्केट में क्योंकि उनको क्या किया जाता है उनको आर्टिफिशियली पकाया जाता है तो आर्टिफिशियली कैसे पकाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वन एल्काइन एक एल्काइन ही है जिसका नाम है बेसिकली इथीलिन होता है वो इथाइलिन को हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियली फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को पकाने के लिए ओके okay? अब जो हमारे एल्काइन्स होते हैं ठीक है अब वो कैसे होते हैं बस इसमें भी सेम है आपने क्या है पहले याद रखना है कि पहले वाला आ, कौन सा है प्रीफिक्स याद रखना है कि दो हैं तो इथ तीन है तो प्रॉप चार हैं तो ब्यूट फाइव है तो पेंट सिक्स तो हेग सेवन हेप्ट एंड एट ऑक्ट लास्ट में हम क्या ऐड कर देंगे इन 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 तो ये तो आप नाम से याद रख सकते हो एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन ठीक है तो जब यहाँ पे हमारा एल्केन होगा तो लास्ट में एन ऐड करना है डबल बॉन्ड होगा तो इन ऐड करना है एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन ऐड करना है ठीक है सिंपल ओके ये आपने यहाँ पे ऐसे याद रखना है सो तो अब जैसे इथिन है इथिन का एक मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आएगा सी टू एच फोर क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है पहले तो सी एन एच टू एन माइनस टू सो सी टू एच फोर सो इस तरीके से है सो ओ सॉरी दिस इज ये जो है ये इसका ही है आम, एल्कीन का ही आ गया है सो तो अगर हम एल्काइन का करें तो एल्काइन का कुछ ऐसे आएगा जैसे एल्काइन का मान लीजिए मैं इथाइन इत, ले लेती हूँ ठीक है सो इथाइन है तो मतलब क्या है मेरा कि मेरे पास नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स टू हैं फॉर्मूला क्या है सी एन एच टू एन माइनस टू सो सी टू एच इंटू टू इंटू एन कितना है टू इंटू टू माइनस टू तो क्या आएगा सी टू एच टू अब इसको अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो दो कार्बन आइटम्स अब क्या है ट्रिपल बॉन्ड है बीच में तो क्या है एक एच इसके साथ आ जाएगा एंड एक एच इसके साथ आ जाएगा सिमिलरली अगर मुझे प्रोपाइन ड्रॉ करना है तो कितने कार्बन आइटम्स हैं तीन तो फॉर्मूला क्या बनेगा अगर इसमें पुट कर दूँ मैं तो सी थ्री एंड एच क्या है थ्री इंटू सॉरी नॉट थ्री इट्स टू इंटू थ्री टू इंटू थ्री माइनस टू तो कितना आ गया सी थ्री एच सिक्स माइनस टू कितना हो गया सी थ्री एच फोर इस तरीके से आएगा तो कैसे आएगा वन टू थ्री और यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगा दूंगी सो so, यहाँ पे एक एच ये तो पूरा बना हुआ है सो so, यहाँ पे ये ठीक है so, सो इसके ऑलरेडी क्या है चार बॉन्ड सेटिस्फाइड है सो वन टू थ्री फोर एंड तीन कार्बन आइटम सो इस तरीके से ये बनेगा और ये क्या है हमारा प्रोपीन ओके एंड देन आ जाता है हमारा अब मैं आपको बताऊंगी सॉरी नॉट प्रोपीन इट्स प्रोपाइन ओके सो सॉरी वेरी सॉरी एंड दिस इज प्रोपाइन अब अगर मेरे को क्या बनाना है लेट्स uh, से मुझे बनाना है पेंटाइन ओके फाइव कार्बन तो क्या आएगा सी फाइव एच टू इंटू फाइव माइनस टू तो कितना आएगा सी फाइव एच टेन माइनस टू कितना हो गया एट हो गया सो सी फाइव एच एट आ गया अब ये मैं कैसे बनाऊंगी पांच कार्बन आइटम्स वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव अब लेट से मैंने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाया है ठीक है तो क्या आएगा यहाँ पे पहले तो ये ऐड कर लें सो दिस यहाँ पे तो लगेगा नहीं यहाँ पे भी नहीं लगेगा यहाँ पे भी नहीं लगेगा यहाँ पे हाइड्रोजन्स आएंगे एंड यहाँ पे हाइड्रोजन्स आएंगे सो तो कितने हाइड्रोजन्स हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट हाइड्रोजन्स हो गए हमारे ठीक है अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड क्या है सेकेंड प्लेस पे है वन टू सेकेंड तो क्या आएगा इसका नाम यहाँ पे आएगा पेंट टू आइन पेंट टू आइन अगर ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ठीक है ये पहले होता तो सीधा पेंटाइन हो जाता ठीक है सो इस तरीके से ही इसे जो है हम नेम करते हैं सिंपल तरीका है जैसे हमने हमारे एल्किन्स नेम किए थे उसी तरीके से जो है हमारे एल्काइन्स भी जो है वो नेम होते हैं ठीक है बस इतना फ़र्क है एल्किन्स में हम क्या यूज़ करते हैं डबल बॉन्ड एंड एल्काइन्स में हम क्या यूज़ करते हैं ट्रिपल बॉन्ड एंड साथ में इसमें क्या रह जाता है कि हाइड्रोजन का फ़र्क रह जाता है कि हाइड्रोजन कहाँ पर कितने लगेंगे कहाँ पर कितने नहीं लगेंगे बस आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी कि कार्बन एट मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बनाता है सिर्फ अपने साथ चार बॉन्ड्स ही बना सकता है उससे ज़्यादा बॉन्ड्स नहीं बनाएंगे ठीक so, so, है इस क्या थे वो ओपन चेन थे उनमें कोई स्ट्रक्चर क्लोज नहीं हो रहा था तो so, जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर मेड ऑफ मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आइटम्स सो इस तरीके के ये रिंग स्ट्रक्चर होते हैं ठीक है सो so, आपने लाइन में देखना आपने ये नहीं सोचना कि पता नहीं क्या बने जैसे मान लीजिए साइक्लोप्रोपेन है तो जब भी मैंने बोला है कि प्रोपेन है तो प्रॉप का मतलब कितना है तीन का तीन कार्बन आइटम्स हैं एन हमने बोला है तो मींस क्या है एल्केन है और क्या है इसमें सिंगल बॉन्ड है तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है फॉर्मूला इसका सेम ही होगा सी थ्री एच इंटो एच एट ठीक है ये इसका फॉर्मूला होगा तो ये बना कैसे सी C एंड देन C इस तरीके से है अब हाइड्रोजन इसके साथ कितने ऐड होंगे वन टू थ्री फोर ये दो यहाँ पे हो गए देन अगेन ये यहाँ पर हो गया एंड ये जो है ये दो एटम्स एक यहाँ पर आ जाएगा एक यहाँ पर आ जाएगा सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सॉरी इट्स नॉट एट इट्स सिक्स ठीक है सो इस तरीके से जो है ये बॉन्ड जो है ये साइक्लिक जो है ये बन जाएगा ठीक है सो दिस इज साइक्लोप्रोपेन उसी तरीके से ये साइक्लोहेक्सेन है हेक्सेन मीन सिक्स कार्बन एटम्स हैं देन दिस इज साइक्लोहेक्सेन है हेक्सेन का मतलब यहाँ पे क्या है ईन है तो डबल बॉन्ड है एंड हेक्स है तो सिक्स कार्बन एटम्स हैं देन दिस इज चेट्रोहाइड्रोफ्यूराइन ठीक है सो so, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक ऑक्सीजन एटम ऐसे बीच में है ओके नाउ इन दीज मॉलिक्यूल द कार्बन एटम्स लिंक विद ईच अदर ज्वाइनिंग टू फॉर्म अ साइक्लिक स्ट्रक्चर अब इसमें कार्बन एटम जो है वो इस तरीके से लिंक करते हैं कि वो क्या बना देते हैं एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देते हैं इस तरीके से ठीक है so, सो पूरा वो क्या हो जाते हैं बंद हो जाते हैं सो so, ये होते हैं हमारे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स अब ये दो तरीके के होते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर हैविंग एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट एज रिंग मेंबर्स इनमें क्या होते हैं सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं एज रिंग मेंबर्स ठीक है जैसे कि ये है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में क्या है सेम एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन 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 एंड कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है या फिर यहाँ पे नाइट्रोजन 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 एंड इसके साथ हाइड्रोजन जो है वो अलग से अटैच है बट एक्च में ऐसे नाइट्रोजन 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 इस तरीके से अटैच और यहाँ पर कार्बन कार्बन होमो का मतलब ही क्या होता है सेम सो so, जहाँ पर सेम एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं या एक साइक्लिक कंपाउंड बना देते हैं उन्हें हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं या द साइक्लिक कंपाउंड हैविंग आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलमेंट्स एज अ रिंग मेम्बर इंक्लूडिंग कार्बन आइटम्स अब इसमें कार्बन आइटम और हाइड्रोजन आइटम तो होते ही उसके अलावा और भी कोई एलिमेंट्स जो हैं वो होते हैं जैसे यहाँ पर तो कार्बन कार्बन है लेकिन कार्बन के अलावा वो कौन से आइटम हैं नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है यहाँ पर भी नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है तो जिनमें डिफरेंट आइटम्स आ जाएँ अपार्ट फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन उनको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ना द रिंग कंटेन आइटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट सेम एलिमेंट के आइटम्स होते हैं पूरे रिंग में ना रिंग कंटेन टम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट अब यहाँ पे जो रिंग है रिंग में डिफरेंट एलिमेंट्स जो डिफरेंट uh, आइटम्स भी जो है वो होते हैं कंटेन एटम्स ऑफ सेम एमेंट बॉन्डेड टू ईच अदर फॉर्मिंग रिंग इसमें सेम एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं बॉन्ड बनाते हैं एंड वो बॉन्ड बना के क्या है एक रिंग फॉर्म ले में बन जाते हैं नाउ इट कंटेन एटम ऑफ एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट्स बॉन्डेड टू ईच अदर फॉर्मिंग रिंग अब इसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स आप इसमें बॉन्ड बनाते हैं एंड बॉन्ड बना के वो क्या बनाते हैं आप इसमें रिंग बनाते हैं इसके एग्जाम्पल आते हैं हमारे बेंजीन साइक्लोहेक्गजीन टॉलिन देन हमारा साइक्लोहेक्गजिनॉल इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं पाइन

टू थ्री फोर ठीक है चार कार्बन आइटम्स हैं एंड एन मीन्स एल्केन मीन्स सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड से ये क्या है ज्वाइंट है सो दिस इज साइक्लोब्यूटेन उसी तरीके से ये क्या है साइक्लोपेंटेन तो पेंटेन जब भी हम बोलते हैं तो क्या है मीन्स फाइव कार्बन आइटम्स वन टू थ्री फोर एंड फाइव कार्बन आइटम्स एन मीन्स सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है दिस इज साइक्लोहेगजीन हेग्स का मतलब सिक्स कार्बन आइटम्स सिक्स कार्बन आइटम्स इस तरीके से जुड़े हुए हैं एंड एन है मतलब क्या है सिंगल बॉन्ड अगर यहां पे मान लीजिए यहां पे क्या होता है साइक्लो यहां

आ जाते हैं तो पहले क्या हैं हमारे एल्कीनज आएंगे तो साइक्लोप्रोपीन डबल बॉन्ड साइक्लोब्यूटीन यहाँ पे भी डबल बॉन्ड साइक्लोपेंटीन एंड देन साइक्लोहेक्गजीन उसी तरह से एरोमैटिक जो आ जाते हैं वो कौन से हैं बेंजीन देन दिस इज औरथोजाइलिन देन पैराज़ाइलिन मेटाज़ाइलिन ठीक है सो इस तरीके से जो है ये सारे हमारे जो कंपाउंड्स हैं वो होते हैं एंड ये से नेम होते हैं सो so, ये थे आज के हाइड्रोकार्बन्स का ओवरव्यू एंड कुछ बेसिक से नेमिंग पैटर्न्स एंड हम अगले अगले लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे इनकी प्रपरेशन स्टडी करेंगे सो so, तब तक के लिए स्टे सेफ